हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका यही क्वेश्चन है कि क्या इस बार एंट्रेंस टेस्ट होगा। सो गाइस, ये कंफर्म है कि इस बार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन होगा 2021 का सेशन, इसमें आपका होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। बट पूरी वीडियो को देखो तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या वेटेज होगा, क्या जो 12th के मार्क्स हैं उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे नंबर वन जो गाइज आपका क्वेश्चन है वो यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 2021 में जो एडमिशन होंगे वो एंट्रेंस बेस्ड होंगे या मेरिट बेस्ड। सो गाइज, यहाँ पे एक जो न्यूज़ है वो ये है कि जो एडमिशन है वो एंट्रेंस बेस्ड प्लस आपका जो मेरिट है वो आएगी। मेरिट किसके बेसिस पे आएगी? जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे और जो आपका 12th के मार्क्स होंगे। सो 12th का मार्क्स क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें ये मेंशन कर दिया गया था और UGC की गाइडलाइंस भी थी कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, उनमें एडमिशन जो होगा वो होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे। तो सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने एडमिशन के लिए, अपने आने वाले एकेडमिक सेशन के लिए प्रोविजंस बना रही हैं जिनके बेसिस पे वो एडमिशन प्रोवाइड करेंगी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ इस टाइप से डिसाइड किया है कि जिनका भी एडमिशन एंट्रेंस बेस्ड होगा, जैसे काफ़ी सारे कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पहले से ही 9 कोर्सेज हैं उनमें एंट्रेंस होता था UG में, बट अब क्या है कि जितने भी कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन सभी कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगी DU। साथ ही 50-50% का वेटेज रखा गया है। 50-50% वेटेज मींस लाइक जो भी आप स्कोर करोगे अपने CET में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, उसका 50% प्लस आपका 50% 12th के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें वेरी ना कर जाएं, क्योंकि उनका जो एडमिशन होगा वो, अगर वो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नहीं परफॉर्म करते तो उनका एडमिशन रुक जाएगा, भले ही उनकी जो 12th में टॉप 4 के मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों, तो ये मैटर नहीं करेगा। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ इस टाइप से प्रोविजन बनाए हैं कि 50% आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसका लिया जाएगा और 50% आपकी जो 12th के मार्क्स हैं बोर्ड एग्जाम में जो आप स्कोर करोगे वो लिए जाएंगे और कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो उनके बेसिस पर बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो कट ऑफ आएगी, अगर आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस कट ऑफ को क्लियर करोगे और बीट कर दोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा डन और काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। चलिए फिर फटाफट से बात कर लेते हैं, हमने जाना अभी वेटेज और एंट्रेंस टेस्ट होगा कि नहीं। अभी बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा अगर एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट है, सो गाइस सिलेबस ये है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर आएगा एंट्रेंस टेस्ट वो दो पार्ट में होगा। दो पहला पार्ट जो होगा उसमें आपके होंगे एक लैंग्वेज, दूसरा आपका नॉर्मल एनालिटिकल रीजनिंग, मैथ्स, GK एंड जनरल अवेयरनेस। इन चीज़ों से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग में आप समझ सकते हो कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और इसी टाइप की जो होती हैं सिलोजिज्म, तो इन सारे बेसिक चैप्टर्स को आप पढ़ लेना, बहुत ही ईजी होते हैं, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लेवल का नहीं पूछा जाएगा, ईजीली आप कर पाओगे। जो दूसरा पार्ट होगा पेपर का, उसमें आपके जो 12th के सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपने 12th में अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें से आपका टेस्ट होगा। लाइक मान लो अगर आप BCom के लिए अप्लाई कर रहे हो कोर्स में, तो BCom में क्या सब्जेक्ट्स मेन होंगे जो आप 12th में पढ़े होने चाहिए? लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स विच यू हैव स्टडीड इन योर 12th। बाय दैट बेसिस यू कैन गिव योर एग्जाम विच इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। सो गाइज, मैंने इस वीडियो को आप सभी के लिए बनाया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी एस्पिरेंट 2021 में एडमिशन लेने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो वेल प्रिपेयर्ड रहें, अपने 12th के जो मार्क्स हैं उसमें अच्छे से स्कोर करें। आपके लिए मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कि आप 12th के मार्क्स में, लाइक जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, आप उसमें कैसे अच्छा परफॉर्म करोगे, ताकि जो आपके मार्क्स, लाइक एक बार एक एक मार्क्स से बच्चे रह जाते हैं एडमिशन में, तो आपके मार्क्स में कहीं भी कमी ना रहे, ताकि आपका कोई एडमिशन कैंसिल ना कर सके। ठीक है, तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप 12th में कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हो, आपको कुछ गाइडेंस दूंगा। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।